फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फूड चैनल जब फ्लेवर्स में। आई होप यू गाइस आर लाइक टू आवर लास्ट वीडियो। लेट मी चेक विद शेफाली व्हाट शी इज मेकिंग टुडे। सो टुडे वी आर मेकिंग वन ऑफ द फेमस मेक्सिकन डिश व्हिच इज कसेरिया, बट आई लव इंडियन स्पाइसेस। सो टुडे आई विल गिव लिटिल बिट इंडियन ट्विस्ट टू दिस डिश। इफ यू लाइक आवर रेसिपी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर फूड चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। And also you can follow us on Instagram. Instagram link is mentioned in the below description. So let's begin with our today's recipe. As I said, I will give Indian twist to this dish. So here we are using paneer for kasariya. So now we have to marinate this paneer with 1 teaspoon of chaat masala, 1 teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon of chili powder, and we will add some lime juice. Now our marination is ready. अभी marination हम लोग पनीर को लगाएंगे, because पनीर को अपना flavor नहीं रहता, तो इसके लिए हम लोग इसको marinate कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है और हम लोग थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग पनीर रखेंगे। इसका फ्लेम हमें बहुत कम रखना है, लो फ्लेम पे कुक करना है इस पनीर को। मैंने इस पनीर में सॉल्ट ऐड नहीं किया है, बिकॉज मैंने चाट मसाला डाला है और बाद में हम लोग कसेरिया के मिक्सचर में भी सॉल्ट ऐड करने वाले हैं। अभी ये पनीर रेडी है, अभी हम लोग पनीर को साइड में रखेंगे। नाउ वी आर मेकिंग अगुआ का मोलाडा। ये मैक्सिकन डीप है और जो हम लोग कसेरिया के साथ सर्व करेंगे। इसके लिए एक अवोकाडो, टू ग्रीन चिली, आपको स्पाइसी चाहिए तो आप और भी डाल सकते हो, टू गार्लिक क्लोव, और यहाँ पे हम लोग कोरिएंडर के स्टेम यूज कर रहे हैं, एंड 1/4 रेड अनियन। आप यहाँ पे व्हाइट अनियन भी यूज कर सकते हो। एक होल लाइम जूस डालेंगे। ये डीप अभी हमें ब्लेंड करना है। अभी ब्लेंड होने के बाद ये मिक्सचर ऐसे दिखेगा। अभी हम लोग इसको सीजन करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ। सो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट स्वाद अनुसार। अभी हम लोग कसेरिया की इंडियन ट्विस्ट देके फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ये जब गरम हो जाएगा, जैसे ऑयल गरम हो जाएगा, उसमें हम लोग 1/2 टीस्पून चॉप गार्लिक डालेंगे और 1/2 टीस्पून चॉप चिली। इसको हम लोग अच्छे से सौते करेंगे। गार्लिक एंड चिली सौते होने के बाद उसमें हम लोग जूलियन ऑफ अनियन डालेंगे। आपको व्हाइट अनियन यूज करना है तो आप व्हाइट अनियन यूज कर सकते हो। अनियन को अच्छे से सौते करेंगे। अभी अनियन सौते हो गए, इसमें हम लोग जूलियन ऑफ ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे। आपको कलर्ड बेल पेपर यूज करना है तो आप कर सकते हो। और अभी हम लोग ये मिक्सचर अच्छे से कुक करेंगे। अभी अनियन एंड कैप्सिकम कुक हो गया, अभी हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डालेंगे। हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे क्योंकि पनीर के मैरिनेशन में हमने सॉल्ट नहीं डाला है। और यहाँ पे हम लोग चाट मसाला थोड़ा डालेंगे, 1/2 टीस्पून। ये मिक्सचर हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को ऐसे स्ट्रिप में कट किया हुआ है, तो अभी ये पनीर हम लोग ये मिक्सचर में डालेंगे। इसमें कोरिएंडर डालेंगे, बट कोरिएंडर हम लोग चॉप नहीं करेंगे, उसको हाथ से ही कट करके हम लोग इसमें डालेंगे और एक बार वापस मिक्स करेंगे। मैक्सिकन फूड में कोरिएंडर और लाइम बहुत यूज होता है। मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लोर टोर्टिला लिया है। आपके पास टोर्टिला अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप मैदा और व्हीट फ्लोर को मिक्स करके डो बना सकते हो और उसका टोर्टिला बना सकते हो, और एल्स आप जो लेफ्ट ओवर चपाती रहता है वो यूज कर सकते हो कसेरिया के लिए। तो अभी हम लोग कसेरिया के लिए ये टोर्टिला पे एक साइड पे स्पाइसी मेयो लगाएंगे। उसके ऊपर हम लोग ये जो पनीर का मिक्सचर है
वो डालेंगे। अच्छे क्वांटिटी में पनीर का मिक्सचर यूज करना है। एक ही साइड यूज करना है, एक ही साइड ये मिक्सचर डालना है क्योंकि हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। और अभी हम लोग इसके ऊपर चीज डालेंगे। मैंने अमूल का चीज लिया है, चीज ग्रेट करके डालना है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मैंने पैन पे थोड़ा बटर डाला है और इसके ऊपर हम लोगों ने कसेरिया रखा है। दोनों साइड से हमें इसको कुक करना है। ये कसेरिया को हम लोगों ने दोनों साइड से कुक किया है और अभी ये क्रिस्पी हो गया है। अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे अगवा का मुलाड़ा के साथ।